धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, संतों गुरुजनों द्वारा काफी कुछ विद्वतापूर्ण और जीवन कल्याण से युक्त निर्णय वाणी आप सुन चुके हैं। कुछ निवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत है। सद्गुरु कबीर की वाणी पर आधारित सद्गुरु कबीर का एक पद है, डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बन आवे, लीनो हाथ सिंधोरा। इसी पद में बीच में एक पंक्ति आती है, भय निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सुरा कहा मरनते डर पे, सती न संचय भाड़ो। भय निशंक, सदगुरु कहते हैं निशंक हो करके सारी शंका, सारी चिंता और सारे संदेहों से ऊपर उठकर मगन होकर के, प्रसन्न होकर के नाचो। लेकिन निशंक होने के लिए और मगन होकर नाचने के लिए शर्त है लोभ मोह और भ्रम का त्याग करना। पहली बात है, आदमी के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं हुआ करती है और साहब कहते हैं होय निशंक। जो आदमी शंका रहित नहीं हो सकता, जिसके मन में हमेशा संशय बना रहता है, संदेह बना रहता है, वह आदमी कभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकता। और जो निर्णय पर नहीं पहुंच सकता, वो किसी भी काम को व्यवस्थित होकर समर्पित भाव समर्पित होकर नहीं कर सकता। इसलिए गीता में कहा गया है संशयात्मा विनश्यत। संदेह की आवश्यकता है कि ये बात कैसी है, ये बात कैसे ऐसे ऐसे, ये बात क्यों कही गई। दर्शन की शुरुआत ही संदेह से हुई है, ये जगत कैसे बना, किसने बनाया, ये व्यवस्थित जगत चल कैसे रहा है, इसमें अनियमितता कैसे है, चांद आकाश में चमकता है, सूर्य आकाश में चमकता है, तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, ये सब गिरते क्यों रहे नीचे, आखिर इनको वहां किसने जड़ दिया है, कैसे जड़ दिया है, मैं कौन हूं, ये दुनिया से और मेरा संबंध क्या है, इस दुनिया में जन्म लेकर के मैं क्यों आया हूं, मैं तो सुख चाहता हूं फिर भी मुझे सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है, मेरी इच्छाओं की पूर्ति कैसे नहीं होती है, क्यों नहीं होती है। इस प्रकार का जब संदेह हुआ तो ज्ञान की खोज शुरू हुई, आत्मा अनात्म की खोज शुरू हुई, यहीं से दर्शन शास्त्र शुरू होता है। तो संदेह की आवश्यकता तो है, लेकिन जिंदगी भर संदेह में पड़े रहना, कोई निर्णय कर ही ना पाना,
आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है। निर्णय लेना शुरू करें, गलती होगी लेकिन गलतियां रास्ता बताएगी। आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता के शिखर पर, सफलता की चोटी पर पहुंचना चाहते हैं तो अपनी गलतियों और असफलताओं को सीढ़ी बनाना होगा। बिना गलत किए कभी कोई आदमी कोई काम सीखा नहीं है। ये जो बत्ती, बिजली का बल्ब हम देख रहे हैं, बिजली प्रकाश देख रहे हैं, एडिशन ने 16 साल तक लगातार मेहनत की, हजारों प्रयोग उनके असफल हुए। ये बिजली का आविष्कार हजारों प्रयोग की असफलता का ही परिणाम है। इसलिए गलती हो गई कभी तो घबराइए मत। कभी किसी काम में सफल नहीं हुए तो घबराइए मत, उस असफलता को ही सीढ़ी बनाइए, अपनी गलती को सीढ़ी बनाइए और फिर आपकी गलती आपकी सफलता आपको रास्ता दिखाएगी। तो संदेह तो चाहिए शुरुआत में लेकिन फिर अंत में एक निर्णय पर पहुंचना होगा। तीन प्रकार के संदेह आदमी के मन में मुख्य होते हैं, एक व्यवहारिक, एक आधिभौतिक और एक आध्यात्मिक। हम ये कह सकते हैं आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के संदेह। पहला संदेह है आधिदैविक। दैव का अर्थ होता है प्राकृतिक शक्तियां। जब कोई भयंकर मूसलाधार बरसात हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, बांध टूट जाते हैं, जल प्रलय हो जाता है, कहीं आग लग जाती है, भूकंप आ जाता है, तब हम कहते हैं एक दैवी प्रकोप है। इसका मतलब ये नहीं कि आकाश में कोई देवता बैठा हुआ है वो हम पर गुस्सा हो गया है। दैवी प्रकोप मतलब प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक प्रकृति में असंतुलन हुआ है, इसलिए ये प्रकोप आया है। लेकिन आदमी संदेह होता है कि दुनिया को देख करके आखिर किसने बनाया होगा, ये दुनिया चल कैसे रही है, आखिर क्यों है, आखिर दुनिया आई तो कहां से आई, ये संदेह होता है। को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्थनवंतम यद अनस्था विभर, ये ऋग्वेद के एक मंत्र का अंश है, पहली पंक्ति है। को ददर्श प्रथमम जायमान, पहले पहले इस दुनिया को जन्म लेते, दुनिया को बनते किसने देखा है। अस्थनवंतम यद अनस्था विभर, जो अस्थनवंत है, हड्डी वाला है ये पार्थिव जगत, उसको अनस्था सूक्ष्म प्रकृति इस स्थूल जगत को धारण करके, जो सूक्ष्म प्रकृति घूम रही है जितने धारण की है, उस सूक्ष्म प्रकृति को पहले पहले उत्पन्न होते किसने देखा है, ये ऋग्वेद का प्रश्न है। और ये प्रश्न तब तक चलता रहेगा जब तक दुनिया बनी रहेगी, और दुनिया सदैव सदैव बनी रहेगी, सदा से है, सदैव बनी रहेगी और सदैव पत्थर का वितर्क होते रहेंगे। यदि हम प्रकृति के गुणधर्मों को, तत्वों को, जो हम मिट्टी पानी आग हवा जो कहते हैं, उनके गुणधर्मों को समझ लें, विश्व के जो शास्त्रत नियम हैं उन नियमों को समझ लें, और एक कारण कार्य की व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को समझ लें, तो दुनिया कैसे बनी, कहां से बनी, किसने बनाई, कैसे चल रही है, ये सारी शंकाओं का समाधान अपने आप हो जाएगा।
हम प्रकृति को, प्रकृति गुणधर्मों को, जड़ तत्वों को, जड़ तत्वों के गुणधर्मों को, नियमों को समझने का प्रयास नहीं करते। इसलिए एक ऊपर उसके अंदर शुरू से एक नियामक लाद देते हैं। उस नियामक को आप अनेक शब्दों में कहते हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई खुदा गाड कहता है, कोई सुप्रीम पावर कहता है। तो पहला संदेह आदमी को होता है आधिदैविक, दुनिया को, दुनिया की हलचलों को देख करके, दुनिया की गतिविधियों को देख करके। ये संदेह दूर कैसे होगा? मूल जो तत्व है, मूल जो मैटर है, उसके गुणधर्मों का सही ज्ञान होने पर। जो नियम है, उस नियम, उन नियमों का सही ज्ञान होने पर, और कारण कार्य की व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं का ज्ञान होने पर। दूसरा संदेह होता है आधिभौतिक, भौतिक भूत संबंधी जो संदेह है। भूत का अर्थ होता है प्राणी। दया भूतेश, गीता में जहां दैवी संपदा है वहां श्री कृष्ण कहते हैं दया भूतेश, प्राणियों पर दया। तो भूत का अर्थ है प्राणी। भूत के अनेक अर्थ होते हैं। एक तो भूत वो मानते हैं आप, भूत प्रेत जो काल्पनिक है, बिल्कुल भ्रम की उपज है। और ये भूत प्रेत की कल्पना अथर्ववेद में भी आई हुई है। अथर्ववेद में भूत प्रेत तंत्र मंत्र सबकी बात है। बहुत पुरानी कल्पना ही है, बहुत पुराना भ्रम है। और अभी इतना विज्ञान का विकास हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आदमी इतना शिक्षित हो गया है, लेकिन अनेक सच्चे पढ़े लिखे लोग भी ये भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो ना टटका के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप लोग लड़का और लड़की की जब शादी करवाते हो तो घर द्वार तो देखते ही हो, लड़का लड़की की योग्यता देखते हो, रूप रंग देखते हो, बहुत कुछ देखते हो, सब मिल रहा है, घर द्वार अच्छा है, लड़के लड़की की योग्यता, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, रूप रंग अच्छे हैं, इतने में संतोष नहीं होता। तब आप जाते हो किसी ज्योतिषी के पास, महाराज जी कुंडली मिला दीजिए लड़के लड़की की, जन्म कुंडली, सब कुछ मिल रहा है। जन्म कुंडली नहीं मिलती, शादी आप नहीं करते हो। क्यों? दिमाग में भ्रम का कीड़ा चल रहा है। जन्म कुंडली बिल्कुल ही गलत बात। बच्चा पैदा हो आपके घर में, जगह लिखो, तारीख लिखो, दिन तारीख लिखो, समय लिखो, बस। जन्म कुंडली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अनेक गई जनरेटर, आपने ऑपरेटर से निवेदन है कि जब तक प्रवचन चल रहे तब तक जनरेटर बंद मत करो। आधे घंटा एक घंटा बत्ती चलेगी, कोई बहुत देर तक आपको बहुत डीजल नहीं जलेगा, 2-4 लीटर ही जलेगा। अनेक जगह जन्म कुंडली मिला करके शादी की गई और 2-4 महीने में, 2 साल में शादी टूट गई। क्यों? बिल्कुल भ्रम। अभी की ताजा समाचार है, अभी की ताजा खबर है, हरियाणा में एक लड़की ने एक जो जन्म कुंडली मिलाने वाले पंडित के विरुद्ध में मुकदमा दायर कर दिया है। उस लड़की की जब शादी तय हुई तो उसको बुलाया गया पंडित जी को। पंडित ने लड़की और लड़का दोनों को जन्म कुंडली मिलाई और कहा कि तुम दोनों की जन्म कुंडली बहुत बढ़िया मिल रही है, तुम्हारी शादी पूरी पूरी सफल होगी, तुम्हारी तुम्हारा वैवाहिक जीवन बहुत आनंददायक होगा। उन्होंने जन्म कुंडली मिलाई, 11,000 दक्षिणा लिया, शादी हुई, 3 महीने में तलाक हो गया। तो लड़की ने पंडित के विरुद्ध में मुकदमा दायर कर दिया धोखाधड़ी का, तुमने हमें धोखा दिया है। किसी ने तो एक हिम्मत की है ना। इसलिए लड़की लड़का शादी करवाना हो
तो घर द्वार देखो, पढ़ाई लिखाई देखो, रूप रंग देखो, स्वभाव और चाल चलन देखो, जन्म कुंडली बिल्कुल मिलाओ ही मत। मैं कह रहा था भूत का अर्थ, एक तो वो भूत है जो कल्पन बिल्कुल काल्पनिक है, भूत प्रेत वाले। भूत का एक अर्थ होता है बीता हुआ समय, और भूत का अर्थ होता है जड़ तत्व पंच महाभूत, हम कहते हैं मिट्टी पानी आग हवा आकाश को। और भूत का अर्थ होता है तनलीनता, ब्रह्म भूत हो गया, आत्मभूत हो गया, मतलब ब्रह्मलीन आत्मलीन हो गया। यहां भूत का अर्थ है प्राणी, मनुष्यों के लिए संदेह, पति के मन में पत्नी के लिए संदेह, पत्नी के मन में पति के लिए संदेह, भाई के मन में भाई के लिए, पिता के मन में पुत्र के लिए, पुत्र के मन में पिता के लिए, गुरु के मन में चेला के लिए, चेला के मन में गुरु के लिए संदेह। और संदेह वो कीड़ा है तो आपके मन को अंदर अंदर चाल करके खोखला बना देता है। संदेह नहीं, विश्वास करना शुरू करें। कम से कम अपने घर के लोगों से विश्वास करो। पैसे से घर नहीं चलता, जमीन जायदाद से घर नहीं चलता, घर चलता है प्रेम विश्वास और सेवा। एक बात और कह दो, मकान में और घर में अंतर होता है। मकान बिल्कुल अलग है और घर बिल्कुल अलग है। ईंट, लोहा, सीमेंट, बालू, लकड़ी, इन सब से आप मकान बनवाते हो, घर नहीं बनवाते। मकान बनवाने के लिए आप अच्छे से अच्छा एक इंजीनियर के पास जाते हो, नक्शा बनवाते हो, कुशल कारीगर मजदूर लाते हो। घर बनाने के लिए कोई इंजीनियर का आपका नक्शा नहीं पार सकेगा ना, नक्शा नहीं बनाएगा वो। घर बिल्कुल ही अलग होता है। जब आप मकान बना लिए, मकान बन करके तैयार हो गया, आपने गृह प्रवेश किया और उस मकान में प्रवेश करने के पश्चात जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े स्त्री पुरुष सब एक दूसरे के साथ हंस करके बात करते हैं, एक दूसरे साथ प्रेम और विश्वास पूर्वक व्यवहार करते हैं, और ऐसा सुंदर व्यवहार करते हैं कि जब आप बाहर गए काम करने के लिए, आपके मन में होता है मेरा काम कब जल्दी खत्म हो और लौट करके मैं अपने परिवार वालों से मिलूं। मकान में जो लोग रह रहे हैं उन्हें लगता है कि पिताजी, पति, बेटा काम करने के लिए गए हैं, कितना जल्दी लौटे, आपका मकान घर बन जाएगा। और यदि मकान बड़ा सुंदर बनाया, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, मीठी वाणी नहीं है, चेहरे पर मुस्कान नहीं है, तो मकान मकान ही रह जाएगा, कभी घर नहीं बनेगा। और मकान में आनंद नहीं आएगा, घर में आनंद आएगा। इसलिए मकान बढ़िया से बढ़िया बनाओ, लेकिन घर उससे और बढ़िया बनाना होगा। लेकिन कब बनेगा, यदि मन में जब संदेह है तब कहाँ घर कहाँ बनेगा, मकान मकान ही बन करके रह जाएगा। फूस की झोपड़ी है, आपस में प्रेम विश्वास से रहते हो, सेवा समर्पण भाव से रहते हो, हंस करके मुस्कुरा करके बात करते हो, झोपड़ी घर बन जाएगी। वो आनंद आएगा कि महल में आनंद नहीं आएगा। इसलिए परिवार एक संदेह होता है, पत्नी ने किसी दो चार पुरुष से थोड़ी हंस करके बात कर दी, पति के मन में संदेह हो गया किसी एक पुरुष से कि इसका मन कहीं इस पुरुष पर लग तो नहीं रहा है। पति महोदय दो चार दिन रात्रि में थोड़ा देर से घर आया और ऐसे लगातार घटनाएं घटती रही, पत्नी मन में संदेह हो जाता है कि ये मेरे पति का मन किसी स्त्री में तो नहीं लग रहा है। अब व्यवहार में टूटन शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी बातों लेकर संदेह होता है। ये प्रेम से, विश्वास से और सेवा से संदेह दूर होगा। और तीसरा संदेह होता है आध्यात्मिक, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे सुख दुख देने वाला कौन है, मुझे जन्म मरण के बंधन में डालने वाला कौन है, मेरा कल्याण कैसे होगा।
अपने आप पर संदेह। क्यों? स्वरूप का अज्ञान। अनेक प्रकार की बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। कह दिया गया कि जीव तो अंश है, अंशी परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये मानस की पंक्ति, ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन, ये गीता में कहा गया है। थोड़ा सा विचार करें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। तो यदि अंश होगा तो अविनाशी नहीं होगा, अविनाशी होगा तो अंश नहीं होगा। कोई भी अंश अविनाशी नहीं होगा, विनाशी ही होगा। ईश्वर से टूट टूट करके जीव बना देगी, ईश्वर खत्म हो जाएगा। और जिसे फिर टूटेगा तो जीव ही खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। न तो ईश्वर अविनाशी हो पर रहा पाएगा, न जीव अविनाशी हो पाएगा। अंश कभी अविनाशी नहीं होगा और अविनाशी किसी का अंत नहीं होगा। ईश्वर अंश जीव नाशी सिर्फ विशिष्टा द्वैत मत का सिद्धांत है। अद्वैतवाद इसको नहीं मानता। उसी अयोध्या में द्वैतवाद के जो उपासक समर्थक हैं इस बात को बिल्कुल ही नहीं मानते। ये सिर्फ एक सिद्धांत है, विशिष्टा द्वैत की मान्यता है बस। जीव किसी का ना अंश है, ना किसी का अंशी है, ना कारण है, ना कार्य है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। जब जीव सनातन है तो अंश कैसे हो गया? सनातन का भी अंश होगा। अंश है तो सनातन नहीं है, सनातन है तो अंश नहीं है। आप विचार नहीं करते, बस लिखा गीता में लिखा है, मानस में लिखा है, मान लिए। गीता आदरणीय है, मानस आदरणीय है, वेदशास्त्र आदरणीय है, कुरान पुराण आदरणीय है, लेकिन विवेक पूर्वक आंख मुंह का किसी की बात नहीं मानना। तो आध्यात्मिक संदेह होता है अपने आप पर। क्यों? आत्मविवेक हम नहीं करते, इसलिए। ये विषय बहुत लंबा है, इस पर ज्यादा नहीं खींचूंगा मैं। तो अधिदैविक संदेह होगा तत्वों के गुण धर्मों का ज्ञान हो जाने से, विश्व के जो नियम उसका ज्ञान होने से। अधिभौतिक संदेह दूर होगा प्रेम विश्वास सेवा पूर्वक व्यवहार करने से। और आध्यात्मिक संदेह दूर हो जाएगा आत्मचिंतन करने से, आत्मशोधन करने से। जब ये हो जाएगा, मन निशंक हो गया, तो साहब कहते हैं होए मगन, होए निशंक मगन होए नाचो, मगन होकर के नाचो। ये नाचने का अर्थ क्या है? क्या जैसे आप लोग डांस करते हो, नात नौटंकी में नाचते हो, क्या वैसे नाचने के लिए बात के साहब बात कहते हैं? साहब वैसे नाचने की बात नहीं कहते। नाचने का अर्थ है जीवन के सारे कर्मों को, सारे व्यवहार को प्रसन्नता पूर्वक करना। बीजक में साहब की साखी है, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी बदीन हो ताश को तनमन बोले साच। ए कबीरू, अपने संबोधित करते हैं साहब और लोगों को राय देते हैं। ए लोगों, प्रेम के कपड़े का अंगरखा बना करके पहनो। यहाँ से वहां तक महात्मा लोग पहन लेते हैं, जिसे चोलना जिसे जैसे महात्मा लोग कहते हैं अल्फी, उसी के यहाँ चोलना साहब ने कहा है कि प्रेम के कपड़े का चोलना बनाओ, अंगरखा बनाओ और पहन करके नाचो। क्या प्रेम का कोई कपड़ा होता है? अब प्रेम का कपड़ा ही नहीं है तो उसका अंगरखा कैसे बनाएंगे आप? लक्षणा में बात साहब कहते हैं, अर्थ है जीवन का छोटा बड़ा प्रत्येक कर्म प्रेम पूर्वक करो। प्रेम पूर्वक करने से हर काम पूजा बन जाता है। जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सो तो करो दंडवत भाव मिटाऊं दूजा। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने चिंतन को इतना उदात्त और निर्मल बना लें कि आपका आना जाना चलना फिरना सब परिक्रमा, यदि भावनाएं पवित्र है, विचार पवित्र है, चिंतन पवित्र है, खेत जा रहे हो मानो भगवान की परिक्रमा कर रहे हो, दुकान जा रहे हो भगवान की परिक्रमा कर रहे हो, दफ्तर जा रहे हो भगवान की परिक्रमा कर रहे हो, नहाने जा रहे हो बाथरूम भगवान की परिक्रमा कर रहे हो, यदि मन निर्मल है तब।
और मन निर्मल नहीं है, मंदिर में परिक्रमा कर रहे हो, किसी के लिए गुस्सा कर रहे हो, किसी के लिए राग द्वेष कर रहे हो, किसी के लिए ईर्ष्या है, कहां परिक्रमा हो रही है, किसकी परिक्रमा कर रहे हो? समझ लो कि ये पूरी दुनिया ही भगवत मंदिर है, और भावना पवित्र है तो आना जाना चलना फिरना सब परिक्रमा है, और जो कुछ करो तो पूजा। साहब कहते हैं जो कुछ मैं करता हूं सब पूजा है, सब पूजा है। प्रेम से काम करें, ये हमारी माता बहन है, यदि प्रेम से भोजन बनाती है, जैसे मंदिर जाती हो, अब मंदिर में कोई पर्व में अब मानती हो कि मंदिर में भगवान है, दुर्गा मैया है, उसे मुझे प्रसाद चढ़ाना है, भगवान को भोग लगाना है, कितनी श्रद्धा से, कितने प्रेम से, कितना समर्पित होकर के प्रसाद बनाती हो। क्यों? क्योंकि मंदिर के भगवान को भोग लगाना, प्रसाद चढ़ाना है। यदि उतने ही प्रेम से, उतनी श्रद्धा से रोज भोजन बना तो तुम्हारा भोजन रोज प्रसाद बन जाएगा, घर वाले देवी देवता है। मंदिर के देवता को देवता मान रहे हो, घर के लोगों को दुश्मन मान रहे हो, ये भ्रम छोड़ दो, ये भूल छोड़ दो। असली देवता, असली भगवान, असली भगवती तुम्हारे घर में है। मैंने कहा था घर में जितनी नारियां हैं, उम्र कुछ भी हो, रिश्ते कुछ भी हो, समझो कि ये भगवती है, देवी है। और जितने पुरुष हैं, उम्र कुछ भी हो, रिश्ते कुछ भी हो, समझो ये देवता है। और घर मंदिर भोजन बनाते समय सोचो मैं भोजन नहीं बना रही हूं, भगवान भगवती को प्रसाद भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रही हूं। भोजन बनाना पूजा बन जाएगा, फिर मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये समझो कि मेरा घर देव मंदिर है, झाड़ू लगा लो, समझ लो कि मैं भगवान के मंदिर में, गुरु जी के आश्रम में मैं झाड़ू लगा रही हूं। झाड़ू लगाना पूजा बन जाएगा। बर्तन मांजती हो, भगवान को भोग लगाने के लिए ये बर्तन, भगवान को भोग लगाने प्रसाद बनाने के लिए बर्तन मांज रही हो, बर्तन मांजना पूजा बन जाएगा। खेत में काम कर, समझ लो कि मैं ये जो खेत में काम कर अन्न पैदा कर रहा हूँ, खेत जोत रहा हूँ, भगवान को भोग लगाने के लिए इससे अन्न पैदा होगा। खेत जोतना, खेत गोलना, धान काटना, मक्का की निराई करना, सब पूजा बन जाएगा। अब यही हम नहीं करते, हमारा भगवान घर में नहीं है, घर में तो दुश्मन है, भगवान तो मंदिर में है। ठीक है मंदिर में भगवान मानो, लेकिन ये समझ लो कि घर में भगवान है। अभी नवरात्र का समय व्यतीत हुआ है, जगह जगह दुर्गा, हर दुर्गा मंदिर में, पता नहीं जी गांव में आए हैं तो यहाँ भी दुर्गा मंदिर है या नहीं है, जगह जगह दुर्गा के मंदिर है, और हर दुर्गा मंदिर में बड़ी भीड़ हुई थी। जाना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ, और दुर्गा मंदिर में हमारी माताओं को तो और क्या कहना है, बड़े विधि विधान से, बड़े प्रेम से दुर्गा मंदिर में जाती है, क्योंकि जगदम्बा वहां बैठी, दुर्गा वहां महारानी बैठी हुई पूजा करती है। लेकिन घर में सास है, बहू है, ननद है, भाभी है, गोतनी है, उसके साथ कैसे करते हो? इन बहनों से मेरा निवेदन है, एक प्रश्न है, जितनी नारियां, जितनी बहनें यहां बैठी हुई है, अधिकतम अपने घर में होगी, जैसे ससुराल कहते हैं। आप सोचें जिस पति को पाने के लिए तुमने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, अपनी जन्मभूमि का त्याग किया, भाई बहन का त्याग किया, सखी सहेली का त्याग किया, क्यों? पति के पास जाऊंगी, पति के पाने से मेरा जीवन पूरा होगा। उस पति को पाने के लिए माता पिता छोड़ा, भाई बहन छोड़ा, सखी सहेली छोड़ा, गांव घर छोड़ा, उस तुम्हारे पति को
मंदिर में बैठी दुर्गा ने पैदा किया है या शास्त्र भी दुर्गा तुम्हारे घर में है उसने पैदा किया है, एक बात ध्यान याद रखो। किस दुर्गा ने पैदा किया है तुम्हारे तुम्हारे पति को, मंदिर वाली दुर्गा या घर में जो शास्त्र भी दुर्गा है वो है वो दुर्गा। मंदिर की दुर्गा की बहुत पूजा कर रही है और घर में सास है उसके साथ दुराचार, और तुम्हारे तुम्हारे पति को मंदिर की दुर्गा ने पैदा किया और मुझे मालूम नहीं है, तब तो तुम लोग बहुत सौभाग्यशाली हो, फिर रोज मंदिर जाकर भी पूजा करो। लेकिन मंदिर के दुर्गा दुर्गा ने किसी के पति को पैदा नहीं किया है, तुम्हारे घर में जो सास बैठी है वो असली दुर्गा है, जितने तुम्हारे पति को 9 महीने गर्भ में रखा, बड़े कट पाला पोसा बड़ा किया, उसके साथ क्या व्यवहार कर रही हो, एक बार जरा गंभीरता से सोचना। तो सास के प्रति, बहू के प्रति या ना भाव के जो प्रति मन में जो द्वेष है ना, सब समाप्त हो जाएगा। फिर आप मंदिर जाओ, दुर्गा की पूजा करो, मैं मना कहां कर रहा हूं, लेकिन असली दुर्गा को समझने की आवश्यकता है। वो दुर्गा तो नकली दुर्गा है, उसकी भी पूजा करो आपका मन। मैं कह रहा था, साहब कहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरु नाच, जीवन में जो भी काम करना है हर काम को पूजा समझ करके करो। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, हमारी भावनाएं छोटी होती है। खेत जोड़ना, खेत में हल चलाना, खेत गोड़ना, जोतना, धान बोना, दुकान में काम करना, घर में काम करना, यहाँ तक नाली और सीवर साफ करना, सड़क में झाड़ू लगाना, कोई भी काम छोटा नहीं है, हर काम पवित्र है। नाली सफाई करने वाले, सीवर सफाई करने वाले, जिस आदमी को आप छोटी जाति का मानते हो, छोटा मानते हो, वह भी हमारे और आपके जैसा एक इंसान है। गलत तो हम लोग हैं जितने नाली को गंदा किया है, गलत हम लोग हैं जिसके कारण सीवर लाइन बिछाई गई है। हम लोग ये गलती ना करते तो सीवर लाइन सफाई करने की आवश्यकता क्यों क्यों पड़ती भला। यदि बल्कि ये सोचो, वो नाली साफ करने वाला, वो सीवर साफ करने वाला, वो पखाना साफ करने वाला माँ के समान आदरणीय है। हमारे हम बचपन में हम अपने पर टट्टी पे साफ कर रहे थे, बिजा टट्टी पे साफ कर लेते थे, माता कितने प्यार से धोती थी। वही काम तो वो आदमी कर रहा है जो सीवर साफ करने वाला, वो तो माँ के समान पूजनीय है, माँ के समान आदरणीय है। भावना हमारी हो गई कि वो छोटा आदमी है। यदि शौचालय साफ करने वाला, टट्टी साफ करने वाला छोटा आदमी है, तो आप लोग बताएं आप टट्टी को साफ कौन करता है सुबह सुबह, कोई नौकर रखे हो क्या? ये बड़े बड़े शंकराचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े पंक्ति पावन ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सुबह 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 उनकी टट्टी को साफ कौन करता है? खुद करते हैं कि कोई नौकर आकर के करता है? कौन कर सकता है मैं अपनी टट्टी साफ नहीं करता? खुद जब कर रहे हो, पेट में टट्टी भरे हो तो बड़े आदमी हो गए, और आप टट्टी साफ कर दे छोटे आदमी हो गए? इतनी अकल नहीं आई अभी तक आप लोगों की? मैं ये कह रहा था कि काम छोटा बड़ा नहीं है। पहली बात यह है, आदमी को आदमी मानो, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, मजहब के नाम पर आदमी साथ भेदभाव मत करो। आदमी केवल आदमी है, आदमी से जाति पूछना आदमी का अपमान करना है और भयंकर पाप करना है। इसलिए हर जो भी काम करना पवित्र पवित्र भाव से करो। अनेक लोग हमारे आश्रम में गए होंगे प्रयागराज में, बड़ा आश्रम तो नहीं है, छोटा सा आश्रम हमारा है। हमारे आश्रम में 200 टॉयलेट है, 200 साफ करने वाले हमारे आश्रम के साधु, कोई बाहर से नहीं आता है। हमने भी साफ किया है, आप हमें बड़ा मत मानो। हम कहां करें आप हमें बड़ा मानो, हम तो मेहतर का काम किए भाई, मेहतर हैं। मेरी बात आप लोग सुन रहे हो तो आप धन्यवाद आप लोगों को है। सिविल लाइन कभी कभी जाम हो जाती है, आश्रम के साधु ही उतरते हैं उसमें,
और साफ करते हैं, वही फिर साधु नहा लेता है, जाकर भोजन बनाता है, फिर वही साधु समय आ जाता है मन पर बैठकर प्रवचन करता है। हर काम पूजा, हर काम पूजा है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोग सदगुरु कबीर का अनुयायी हैं, सदगुरु कबीर जोलाहा के भी का काम किए, कपड़ा बुने, जोलाहा का बेटा, बेटा नहीं तो पाला पोसा गया है, जोलाहे का काम किया है। उनके साथी संत रविदास जूता बनाने का काम करते थे, संत सेना बाल बनाने का काम करते थे। हिंदू परंपरा में करोड़ों करोड़ों के पूजनी श्री कृष्ण गाय चराने का काम करते थे। मुसलमानों के परम आराध्य हजरत मोहम्मद बकरी भेड़ चढ़ाने का काम किए हैं। इस दुनिया में जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है ईसाई, उनके परम पुरुष ईसा मसीह बढ़ई के बेटा बढ़ई गिरी का काम किए हैं, क्या इनको छोटा मानोगे आप? वेद के ऋषि कपड़ा बुनते हैं, खेत जोड़ते हैं, गाय चारण करते हैं, हर काम करते हैं। आप वेदों पढ़ करके देखें, कारू रहम ततो भीतर ऊपर परछिनी लेना, ये ऋग्वेद के एक मंत्र का अंश है। ऋषि कहते हैं कारू रहम कारू अहम, मैं बढ़ई हूँ, मैं शिल्पी हूँ। आप बढ़ई कह लो, मूर्ति बनाने वाला कह लो, सुनार कह लो, लोहार कह लो, जो भी कह लो, ये सब शिल्पी है। ये वेद के ऋषि कह रहे हैं कारू रहम, मैं शिल्पी हूँ, मैं कारीगर हूँ। ततो भीषक, मेरा पिता वैद्य है, और ऊपर पछिनी नाना, मेरी माता जौ भूनने का भार भूजने का काम करती है। एक ही घर में माता भार भूजती है, पिता वैद्य वैद्य का काम करते हैं, और बेटा बढ़ई का काम करते हैं, और वेद के मंत्र भी बनाते हैं, और उस वेद मंत्र को हम पवित्र मान करके पूजा करते हैं। क्यों अपने मन को छोटा बना रहे हो? इसलिए जो भी काम करें प्रेम से करें, प्रेम से किया हुआ हर काम पूजा, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं तो पूजा। साहब कहते हैं भावनाएं पवित्र है, मन निर्मल है, तो आना जाना चलना फिरना सब परिक्रमा है भगवान की। और प्रेम से काम कर रहे हो तो हर काम पूजा, जो कुछ करो तो पूजा, हर काम पूजा है, हर काम पूजा है। इसलिए किसी भी काम को छोटा मत समझो, प्रेम से करो समर्पित होकर के। ये कबीर साहब की सीख है, जिसके और कबीर साहब ने इसी प्रेम की तो सीख दी है। काम को प्रेम पूर्वक करो और लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करो, और जिसके मन में प्रेम है वही तो पंडित। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। साहब कहते हैं पोथी पढ़ते पढ़ते तमाम लोग मर गए, लेकिन ये पोथी पढ़ने वालों में कोई पंडित नहीं हुआ। पंडित वह है जिसके जीवन में प्रेम का आचरण, जिस जीवन में प्रेम उतर चुका है, जिसके जीवन के सारे कर्म प्रेम, जिसके मन से मानव मात्र पर कोई भेदभाव नहीं है, जाति को लेकर वर्ण को लेकर समाज को लेकर मनुष्यता का व्यवहार करता, वो पंडित है। और ऐसा पंडित कोई भी व्यक्ति होता, कोई भी व्यक्ति पंडित होता, किसी जाति में पैदा हुआ हो वो व्यक्ति पंडित है, यदि जीवन का आचरण पवित्र है और मन में मनुष्य मात्र के लिए प्रेम है। ये पढ़ना लिखना तो एक व्यसन है, आवश्यकता भी है भौतिक उन्नति के लिए। यदि हम पढ़ाई लिखाई बंद कर दें, भौतिक विकास कैसे होगा, ज्ञान का दान प्रदान कैसे होगा? आवश्यकता है, लेकिन पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति पढ़ लिख करके केवल पंडित नहीं हुआ जा सकता, उसके लिए दूसरी बात आती है। महाभारत में कहा गया है, युधिष्ठिर से पूछा गया पंडित कौन, उन्होंने ये नहीं कहा कि अमुक जाति में पैदा हुआ जो व्यक्ति है वो पंडित है, जो वेदशास्त्र का ज्ञाता है वो पंडित है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बल्कि उन्होंने तो ऐसी लताड़ मारी है,
मानो लगता है कबीर साहब कह रहे हो, एकदम चोट से बात कहते हैं। पठ का पाठ का शिवचानी शास्त्र विचिंतका सर्वे विष्णुनो मूर्खा यह क्रियावान सा पंडिता। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले वो हम लोग आ जाते हैं उसे पढ़ने पढ़ाने वाले में। पढ़ने वाले पढ़ाने वाले अनेक साधुओं के शास्त्रों के चिंतन मनन करने वाले सर्व व्यसनी मूर्ख सभी व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। इतनी कठोर भाषा में विश्वठीर कहते हैं ये जितना पढ़ने वाले हैं पढ़ाने वाले हैं शास्त्रों का चिंतन मनन करने वाले हैं सब व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। कितनी कठोर भाषा है। तब पूछा गया पंडित कौन यह क्रियावान सब पंडिता जो क्रियावान है चरित्रवान है आचरणवान है वह पंडित है। कहाँ पैदा हुआ है भूल जा। चरित्र की महानता है आचरण की महानता है। वेश हमारा हो चाहे वेश आप वेश आपका चाहे वेश इनका हो पूजनी चरित्र होता है। विद्या गाते कोई पूजनी नहीं होता सम्मानित हो जाएगा जरूर। विद्या की आवश्यकता है पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है साधु वेश की आवश्यकता है उससे ज्यादा आवश्यकता चरित्र की और आत्मज्ञान की है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। या प्रेम में देना होता है लेना नहीं होता। जहां पाने की भावना है इसके साथ मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरे साथ वो ऐसा करे वहां व्यापार है प्रेम नहीं है। प्रेम देना जानता है और दे करके भूल जाता है किसको मैंने क्या क्या दिया। यदि याद आप रखते हैं तो आप व्यापारी हैं। मैं भी याद रखता हूं मैं भी व्यापारी हूं। और प्रेम देता है और दे करके याद नहीं रखता। आप मान लो आप संपन्न व्यक्ति हैं आपके घर में आपके बूढ़े माता पिता हैं। अब अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा दिए उनके लिए कोई सुधक चीज ले आए माँ को कुछ गहना बना के ले आए कुछ कहते हैं मैंने अपने माता के लिए किया मैंने माता के लिए वो किया मैंने माता के लिए वो किया। कभी तुम्हारी माँ तुम्हारे माँ ने कहा बेटा तुम्हारे लिए मैंने ये किया तुम्हारे बचपन में। माँ को प्रेम देना जानती है और हम व्यापारी बन जाते हैं हमने माँ के लिए किया हमने माँ के लिए वो किया। तो प्रेम में केवल देना होता है लेना नहीं होता। और दे करके भूल जाना होता है। साहब कहते हैं वह पंडित है उसके जीवन का आचरण पवित्र हो जाएगा। तो प्रेम पाठ का चोलना पहिर के भी रूना। साहब कहते हैं ऐ लोगों प्रेम का कपड़ा बनाओ और प्रेम का कपड़ा बनाकर के पहनो और नाचो। मतलब जीवन का हर काम प्रेम पूर्वक करो और लोग जो भी मिले परिचित अपरिचित उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। बस पानी पर दिनो ताश को तन मन बोले सांस। ये प्रकृति सत्ता ये कुदरत के नियम ये प्रकृति के नियम उस व्यक्ति के जीवन में चमक देते हैं जिसके जीवन में मनसा वाचा कर्मणा सत्य की प्रतिष्ठा। सत्य का ज्ञान चाहिए सत्यता पूर्ण वाणी चाहिए सत्यता पूर्ण व्यवहार चाहिए और सत्यता पूर्ण भावना चाहिए। चार सत्य की आवश्यकता है। तो जिसके जीवन में प्रेम उतर गया है और जीवन में सत्य उतर गया है जहां प्रेम है वहां सत्य होगा जहां सत्य वहां प्रेम होगा। और चमक किसके जीवन में आएगी जिसका जीवन सत्य से ओत प्रोत होगा। इसलिए साहब कहते हैं सांस बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सबते सांचा भला जो सांचा दिल होए सांस बिना सुख ना ही ना कोटि करे जो कोई। इसलिए सत्य को उपासना सर्वोपरि यदि कोई है उपासनी तो सत्य है। इसलिए कहा गया सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विदुतो देवयाना। सत्य की विजय होती है असत्य की विजय नहीं होती। देवताओं का सज्जनों का जो पथ है
वो सत्य से सत्य से विस्तृत है, सत्यता पूर्ण है। इसलिए उपासना सत्य की करो। दुनिया में कोई ईश्वर है जिसको हम ईश्वर मानते हैं और ये मानते हैं कि ईश्वर कण कण में है, वो ईश्वर कौन है जानते हैं? नियम। प्राकृतिक जगत में ये जो ईश्वर है कण कण में व्याप्त, वो नियम है। जीवन के आचरण का जो ईश्वर है वो सत्य है। सत्यमेव सर्वलोके, सत्य धर्म सदाश्रितः, सत्य मूलानि सर्वानि, सत्यानास्ति परम पदम। ये वाल्मीकि रामायण में राम जी से कहलवाया गया है। राम कहते हैं, ये बात उस समय की है जब भरत चित्रकूट गए हैं महाराज राम को मनाने के लिए। वहां पर जबाली नाम के एक ऋषि और राम का संवाद है। उसी संवाद के बीच में राम कहते हैं, सत्यमेव सर्वलोके, सत्य धर्म सदाश्रितः, सत्य मूलानि सर्वानि, सत्य नास्ति परम पदम। सत्यम एव ईश्वर लोके, इस लोक में, इस दुनिया में सत्य ही ईश्वर है। ये राम कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, ये नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर सत्य है। सत्यम एव, सत्य ही लोक में ईश्वर है। सत्य को छोड़ करके आप ईश्वर कहां खोज रहे हो? वो सत्य आपके भीतर में है। सत्य धर्म सदाश्रितः, सदैव सदा से धर्म सत्य पर ही टिका है। इसलिए धर्म अनुसार सत्य समाना, सत्य के सत्य आचरण के समान कोई धर्म नहीं है। सत्य मूलानि सर्वानि, जितने भी शुभ कर्म है, जितने भी पुण्य कर्म है, सबका मूल कहाँ है? सत्य में है। सत्यात नास्ति परम पदम, और सत्य से बढ़ करके कोई परम पद नहीं है। इसलिए उपासना यदि है तो सत्य है। सत्य को पालिए, सत्य का ज्ञान हो गया, सत्य में जीवन जी रहे हैं, ईश्वर मिल गया, और कहाँ ईश्वर करेंगे? हाँ, यदि आप ईश्वर पाना चाहते हैं तो बात इस बार आगे थोड़ा कह देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने तो सगुण को माना ही नहीं। कबीर साहब तो निर्गुण को उपासक है। ऐसा कहने वाले लोग कबीर को पढ़े ही नहीं। कबीर को उन्हें कभी मालूम नहीं है। कबीर सगुण को भी मानते हैं, निर्गुण से को भी मानते हैं, और सगुण निर्गुण से ऊपर उठने की भी बात कहते हैं। सगुण साधन है, निर्गुण लक्ष्य है, साध्य है। गुरु गोविंद दोउ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए। यहाँ गुरु को बात ना, गुरु सगुण है कि निर्गुण है? जरा सोचो, गुरु सगुण है कि निर्गुण है? गुरु खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, प्रणाम कर आशीर्वाद देते हैं, प्रश्न पूछो तो उत्तर देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। इतना गुण जिस गुरु में है वो निर्गुण है कि सगुण है भला? कबीर साहब संत को बात न बता दो, संत सगुण है कि निर्गुण है? कबीर साहब सगुण को भी मानते हैं, निर्गुण को भी मानते हैं। कबीर का सगुण परमात्मा यहाँ बैठा हुआ है सामने। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हाथ पहचानो, सुंदर रूप निहानो। साहब कहते परमात्मा को देखने के लिए मैं आंख बंद नहीं करता, कान बंद नहीं करता, काया कष्ट नहीं करता, खुले नेत्र से मैं जहां देखता हूं परमात्मा, यहां देखो परमात्मा बैठा हुआ है। ये सगुण परमात्मा कबीर साहब का। इसके लिए साहब कहते हैं सरगुण की करी सेवा। ये जो सगुण परमात्मा है इसकी सेवा करो। सेवा नहीं कर सकते तो तन से, मन से, वचन से किसी को पीड़ा देना बंद कर दो। पीड़ा आप किसी को नहीं देते, सबसे बड़ी सेवा हो गई। तो सगुण की सेवा, ये कबीर साहब का सगुण परमात्मा, जिसे आप सगुण कहते हो, जो मंदिर में मूर्ति है, मूर्ति ना खाती है, ना पीती है, ना बोलती है, ना चलती है, ना प्रणाम करो तो आशीर्वाद देती है। आप कहते वो सगुण है? सोचो, जो ना खाए, ना पिए, ना बोले, ना चले, ना प्रणाम करे, वो निर्गुण है या सगुण है? आप कहते वो सगुण उपासना होगी, गुरु उपासना निर्गुण उपासना होगी?
अपने मान्यता पर अपने विचारों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो कबीर का सगुण परमात्मा ये बाहर, जिसके साहब कहते हैं आंख न मूंदो कान न रूंधो काला कठिन धारो, इसको इसको देखने के लिए आंख बंद करने की क्या जरूरत है भला, खुले नेत्रों से हंस हंस करके देखो और प्रेम का सेवा का व्यवहार करो। निर्गुण परमात्मा भीतर, जिसके साहब कहते हैं तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले, तेरा जो साहब है, तेरा जो परमात्मा है ये घट के भीतर में है, बाहर नैना खोलकर चकर चकर क्या ताक रहा है। यहाँ निर्गुण की बात आ गई, आत्मा की बात, स्वयं की बात आ गई। इसलिए साहब कहते हैं सरगुण की करी सेवा निर्गुण का करु ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण परमात्मा की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और जब ध्यान में जाओगे तो वहां न सेवा होगी न ज्ञान ज्ञान होगा, वहां होगी केवल आत्मलीनता। ध्यान में कुछ देखा नहीं जाता है। साहब जी अभी बता रहे थे कि हर स्त्री पुरुष को, साधु गृहस्थ को समय निकाल करके रोज ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। पहले झूठ मूठ ही करो, कुछ तो करो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, ये कबीर साहब कहते हैं। और कबीर साहब के पास संतों सहज समाधि वाली बहुतों को याद हो गए पद। ध्यान, ध्यान का अर्थ कुछ करना नहीं होता है। हम ज्योति देखते हैं, ना सुनते हैं, बिंदु देखते हैं, सांस देखते हैं, श्वास रोधन की क्रिया करते हैं, ये सब ध्यान के आलंबन है, शुरुआती है, कमाने कबूतर के समान है, ये ध्यान नहीं है। लेकिन मन को कंसंट्रेट करने के लिए, मन को रोकने के लिए इनकी आवश्यकता है कि किसी एक खूंटा में मन को बांधो, चाहे वो सांस देख करके, चाहे ज्योति देख करके, चाहे बिंदु देख करके, चाहे नाद सुन करके। याद रखना, सांस देखने वाले आप हैं, बिंदु देखने वाले आप हैं, ज्योति देखने वाले आप हैं, नाद सुनने वाले भी आप हैं। जो सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, वो बड़ा नहीं होता है, सुनने वाला देखने वाला बड़ा होता है। देखने और सुनने वाले आप हैं। तो पहले तो मन को एकाग्र करने के लिए जो साधन अपना ले लें, जिसे आपको पसंद हो। इसलिए भारती पतंजलि ने कहा यद्वत अद्वत सत्य पुरुषार्थ, या यथाभिमत धनत्वा, यथाभिमत जैसा आपका मन हो, चित्तवृत्ति निरोध के लिए उपाय करो। ये सांस रोधन या सांस देखना, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना, दृष्टाभ्यास, ये सब क्या है? चित्त की वृत्ति को निरुद्ध करने के लिए साधन है, चित्त वृत्ति को रोकने के लिए साधन है। जब चित्त वृत्ति एकाग्र हो गई तब विचारों को देखते जाइए। जैसे नदी किनारे बैठ करके हम और आप नदी की धारा को देखते हैं, धारा में उठने वाली तरंगों को देखते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर में विचारों का प्रवाह, विचारों की धारा चल रही है, उनको देखने का काम करें। विचार अलग है और मैं अलग हूँ, मिलिए मत, ये अच्छे विचार हैं, ये बुरे विचार हैं, फिर तो मिल जाएंगे। विचार मात्र विचार है, दृष्टा अभ्यास करना होगा। विचार अलग और मैं अलग, फिर अभ्यास करते 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 ऐसा समय जब आ जाएगा कोई विचार नहीं मन में, कोई संकल्प कोई चिंतन मन में नहीं है, वो ध्यान है। जिसके लिए महर्षि पतंजलि महर्षि कपिल ने कहा है ध्यानम निर्विषय मन, मन का निर्विषय हो जाना। विषय का मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई यहाँ अर्थ है कोई संकल्प कोई चिंतन। असली ध्यान क्या है? एब्सेंस ऑफ थॉट्स, विचार मात्र की अनुपस्थिति, आत्मसत्ता मात्र, वहां न ज्ञान है न सेवा है। तो मैं मूल बात पर आता हूं। अब प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरुना, साहब कहते हैं ये लोगों प्रेम का कपड़ा पहनो और नाचो, मतलब प्रेम पूर्वक व्यवहार करके जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करो, और जीवन में मनसा वाचा कर्मणा सत्य की प्रतिष्ठा करो। तब क्या होगा? होए निशंक मगन होए नाचो, तब मगन हो करके
तुम जीवन का आनंद ले सकोगे। लेकिन इसके लिए लोभ मोह भ्रम छाड़ो, लोभ मोह और भ्रम का त्याग करो। लोभ होता है निर्जीव पदार्थों के लिए, पैसा के लिए लोभ है, जमीन के लिए लोभ है, मकान के लिए लोभ है, गद्दी महंती के लिए लोभ है, गुरुवाई के लिए लोभ है, पूजा प्रतिष्ठा के लिए लोभ है, ये सब निर्जीव है। और जितना लोभ बढ़ेगा उतना पाप बढ़ेगा, देखते ही हो। यहाँ तक दुर्भाग्य यह है, पैसे के लिए लोग पाप करते हैं, जमीन के लिए लोग पाप करते हैं, हिंसा हत्या मारपीट करते हैं, पद के लिए लोग हिंसा हत्या पाप करते हैं, यहाँ तक गुरु बनने के लिए लोग पाप कर रहे हैं। जो गुरु बनने के लिए लड़ाई कर रहा है, गुरु बनने के लिए मुकदमा कर रहा है, वो गुरु भला कैसे हो सकता है? जो गुरु हो जाएगा भीतर से, वो कभी मुकदमा लड़ेगा? लेकिन मैं बड़ा गुरु, मैं बड़ा महंत, मैं बड़ा महामंडलेश्वर, मैं बड़ा आचार्य, हद हो गया धर्म के नाम पर। ये लोग साधु हैं कि लड़ाकू हैं? लड़ने वाला लड़ाकू होता है, साधु नहीं होता, याद रखना। चाहे वो गुरुवाई के नाम पर लड़े, चाहे महंती के नाम पर लड़े, चाहे मंडलेश्वर होने के नाम पर लड़े, चाहे आचार्य होने के नाम पर लड़े, लड़ाई तो लड़ाई होती है। और लड़ाई चाहे भगवान के नाम पर हो, वो आदमी धार्मिक नहीं होगा। तो लोभ होता है निर्जीव पदार्थों के लिए, ताकि लोभ छोड़ो, संतोष रखो। मोह होता है जीवित प्राणियों के लिए, उस खाद्य मनुष्यों के लिए मोह नहीं, प्रेम करो। और भ्रम, भ्रम क्या है कि मेरा सुख का केंद्र बाहर है। ये तीनों जब हट जाएगा तब मन निशंक हो जाएगा, संदेह रहित हो जाएगा मन। और जब संदेह रहित जब हो जाएगा तब जीवन का आनंद हो पाएगा। सद्गुरु कबीर की एक पंक्ति पर मैंने निवेदन किया, होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सारे संदेहों का त्याग करके सच्चा ज्ञान प्राप्त करें, लोगों साथ प्रेम सेवा का व्यवहार करें, और अपने मन को सेवा साधना ध्यान द्वारा अंतर्मुख आत्मलीन करके ध्यान की गहराई में पहुंचकर आत्मसिद्धि प्राप्त करें। इसी के लिए जीवन मिला है, और इसी के लिए हम संत गुरुजनों के पास जाते हैं और सत्संग का लाभ लेते हैं। आप लोगों का प्रेम, अरविंद जी ने, उनके साथियों ने, और आप सब ने मिल करके इस सत्संग का आयोजन किया। आयोजक में तो नाम कुछ लोगों को होता है, लेकिन असली आयोजक तो आप लोग हैं। आप लोग सुनने के लिए ना आते तो सत्संग का महत्व क्या होता है? आप सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सत्संग के प्रति, भक्ति के लिए, भक्ति के प्रति आप लोगों निष्ठा, आप लोगों का प्रेम ऐसे बढ़ता रहे, और संतों गुरुजनों जुड़ करके जीवन का सच्चा लाभ लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।